हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाटा इंडिया लिमिटेड को। और बाटा इंडिया को हमने चूज क्यों किया है, उसके पीछे तीनों ही रीजंस हैं। बिजनेस भी एक रीजन है कि इसका बिजनेस क्या कहता है और मार्केट सिनेरियो इसके बिजनेस का क्या है, और सेकंड इसकी बैलेंस शीट क्या कहती है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, और टेक्निकल चार्ट पे इस पे क्या ऐसा नजर आता है कि आज इसको चूज किया है हमने। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में लेकर आता रहता हूं जो टेक्निकल, बिजनेस और फंडामेंटल तीनों फ्रंट पे अच्छी हो या बेकार हो, तो उनका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि उनको हमने अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज और साथ में है कि मेरा पर्पस यहां पर सिर्फ फैक्ट सामने लेकर आना होता है, बाय करना है या नहीं करना है उसके लिए एक बार अपना ड्यू डिलिजेंस भी साथ में जरूर कर लेना चाहिए। खुद को भी अंडरस्टैंडिंग होती है तो डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान होता है। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो देखो, ये बाटा हमें सबको पता है कि दे आर इन फुटवेयर, शूज बनाते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात अब बाटा में क्या है कि ये बाटा पहले वाला बाटा नहीं है कि जिसके ऊपर सिर्फ दो तीन डिजाइन के पुराने वो ही ट्रेडिशनल डिजाइन के लेदर के शूज मिलते थे। अभी बाटा चेंज हो चुका है पूरे तरीके से। अगर आप देखोगे तो जितनी रेंज है इनके पास, इवन यहां से हमें इनका एग्रेसिवनेस पता चल जाता है कि मार्केट में आज की डेट में कितने एग्रेसिव है, कि इन्होंने मास्क भी अपने लॉन्च कर दिए हैं। सो दे आर क्विक एंड दे आर रिस्पोंडिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट, कि इनको पता है कि आने वाले टाइम में अब मास्क की जरूरत पड़ने ही वाली है। लोगों को एक बार हैबिट हो चुकी है, पहले तो लगाते हुए शर्म आती थी मास्क को लगाते हुए, लेकिन अभी नहीं लगाओ ना तो शर्म आती है। ऐसा लगता है कि टू व्हीलर पे बंदा जा रहा है और हेलमेट नहीं लगाया है, तो ऐसे ही लगता है कि बाहर बंदा निकला हुआ है लेकिन मास्क नहीं लगाया ना, तो ये अच्छा फील नहीं होता। और अभी तक हर कोई वैसे ही पुराने टेम्पररी जैसे भी मार्केट में अवेलेबल थे मास्क उस तरह के लगाए जाते थे, लेकिन अभी ये एक तरह से ये एक्सेसरीज बन गया है, ये वेयरेबल प्रोडक्ट है जिसको एक डिजाइन भी आएंगे इसमें और कलर मैचिंग भी आएगी और बहुत सारी चीजें भी आएंगी, तो ये यहाँ से पैसे बनाने वाले हैं ये नजर आता है यहाँ से। और इसमें फिर ये स्लीपर्स भी हैं, शूज भी हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो इनके पास डिजाइन की, लुक्स की कोई कमी नहीं है। इनका हश पपीज जो ब्रांड है वो काफी अच्छा ब्रांड है शूज में, मैं भी एक्चुअल में इसी को पहनता हूँ, तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 3,500-3,500 रुपए का एक अच्छा पेयर इसमें आ जाता है। और फिर पावर भी इन्हीं का ब्रांड है, तो इनके पास इन सारे ब्रांड्स में कलेक्शंस की, डिजाइन्स की आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम वैसे ब्रांड्स की बात करें तो ये सारे ब्रांड्स इन्हीं के हैं और ये सारे ब्रांड्स मार्केट में बहुत अच्छी कमांड रखते हैं और सभी अपने अपने फील्ड में अच्छे से कैटर करते हैं। तो इतने सारे ब्रांड्स जब एक ही कंपनी के होते हैं ना, तो वहां पर उसकी ग्रोथ होनी जायज है। और ये सारे ब्रांड्स इनके पास बहुत पहले से नहीं है, ये एक एक करके सारे अच्छे ब्रांड्स अपने साथ कोलैबोरेट करते जा रहे हैं, जो बाहर के भी हैं और इंडिया के भी हैं और अपने भी हैं इनके पुराने, यस ऑफ कोर्स। तो ये तो बात हो गई इनके ब्रांड्स की। अब बात करते हैं कि इसका बिजनेस अभी क्यों ग्रो करेगा। यार देखो, इसका बिजनेस क्यों ग्रो करेगा, इसके पीछे दो तीन रीजन है। देखो, पहले जब हम छोटे थे हमें पता है कि एक पेयर शूज ही होते थे, मैक्सिमम दो पेयर होते थे, कि खेलने जाने के लिए अलग से मिल जाते थे और स्कूल के लिए अलग से, और जब वो फटते थे तभी दूसरे आते थे। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी इनकम बढ़ चुकी है और जहां कोई अच्छी चीज नजर आती है ना, फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे, और जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है जहां एक्चुअल कैश जाने की दिक्कत नहीं आती, तो वहां पर बाय करना बड़ा आसान हो जाता है। और एक एक बंदे के पास तीन तीन चार चार पेयर, पांच पांच पेयर और उससे भी बहुत ज्यादा भी पेयर्स होते हैं। शायद जैसे कपड़े होते हैं ना, कि टी शर्ट्स मंगाते जा रहे हैं और अलमीरा में फिर उनको पार्क करके रखते जाते हैं, सेम ही सिचुएशन यहां पर है। और एक और बात है कि जब से ये पेंडेमिक हुआ है ना, तब से लेदर के शूज जो ऑफिशियल शूज थे वो आधों के तो ऐसे ही मॉइस्चर लगकर खराब भी हो चुके होंगे, जो मुझे लगता है क्योंकि हम इंडियंस कितने ज्यादा, यहाँ पे इंडियंस कहने की बात गलत है, इंडियंस की बात नहीं कहूंगा, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों की जो नेचर होती है वो कितनी, हम लोग कितने सेल्फ मैनेज्ड हैं अपनी चीजों को ध्यान से रखने में, वो हमें सबको पता है। और अगर उस चीज का बहुत अच्छे से पता करना है ना, तो अपने फाइनेंशियल्स को भी एक बार चेक कर लेना। अगर आप खुद से पूछोगे ना कि आप कितने करोड़ के या कितने लाख के या कितने हजार के मालिक हो आज की डेट में, अपनी नेटवर्थ क्या है, तो एक्चुअल फिगर, डिट्टो फिगर किसी को भी नहीं पता होगी एक्सेप्ट 1-2% पीपल। अगर हम अपने आप से पूछे ना कि हमारे पास आज की डेट में मेरी नेटवर्थ कितनी है फाइनेंशियल टर्म्स में, सर किसी को नहीं पता है, सब कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे कितना लोन है, कितना क्रेडिट कार्ड का है, कितने बैंक में पड़े, कहां पड़े, किसी को नहीं ध्यान है, ये ध्यान होना चाहिए। इसी तरह से जूते भी उनके कहां कहां कैसे कैसे पड़े हैं ना, सर किसी को ध्यान नहीं है। सब जब ऑफिसेस बाहर से खुलेंगे और जब घूमने जाएंगे ना लोग, सबको नए परचेज करने हैं और एक साथ में जितना इनका माल
माल अभी तक नहीं बिका है वो सारा एक ही साथ में बिकने वाला है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं और जब बच्चों की हाइट बढ़ती है ना सर, पैंडेमिक की वजह से उनके पैर बढ़ने बंद नहीं होते, उनके पैरों का साइज फिर भी बढ़ता रहता है, तो जो शूज बच्चों ने नहीं पहने हैं ना और जो नहीं फटे हैं वे फिर भी बेकार हो जाने हैं, क्योंकि अब उनको एक नंबर बड़ा शूज चाहिए। तो ये एक जनरल सी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें हमेशा से समझनी चाहिए बिजनेस को जब हम ध्यान में रखते हैं। तो बिजनेस तो इनका बहुत अच्छा है, देखो लोकल ब्रांड से लोग ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं, और जब ब्रांड कॉन्शियस होते हैं एक बार ब्रांड की हैबिट पड़ जाती है तो फिर ब्रांड की तरफ निकलते हैं। मैंने इस चीज को ब्रांड्स के बारे में लास्ट अपनी वीडियो में जो वीआईपी इंडस्ट्रीज की वीडियो थी वहां पर भी मैंने इस चीज को समझाने की कोशिश की थी कि बिजनेस को और ब्रांड को किस तरीके से हमें देखना चाहिए। अब बात आती है बाटा इंडिया के फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे हम सबसे पहले एक ही जगह जाते हैं और वहीं पर अभी भी जाएंगे, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं ये कहता हूं 30% अगर आरओसीई होती है ना तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अभी पेंडेमिक के दो क्वार्टर के बाद में अगर अपनी आरओसीई 30% के बदले थोड़ी सी कम भी हो गई है ना, 25.4% है, तो ये पूरी तरह से चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, तो 51% से ऊपर है, 50% से ऊपर है, यानी कि पूरा पूरा इनका अपनी कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, तो ये भी एक अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज शेयर होल्डर्स की जीरो है, प्रमोटर्स ने कोई भी अपनी प्लेजिंग नहीं की हुई है किसी भी शेयर की, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो की, तो डेट इक्विटी रेशियो मैं कहता हूं 10% तक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, यहां पर 66% है। तो जब भी मैं इस तरह की ग्रेट कंपनीज का डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखता हूं तो मेरा ध्यान सीधा सीधा एक ही चीज पर जाता है कि कहीं इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड तो नहीं किया, उसके लिए लोन तो नहीं लिया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये क्यों बढ़ा है, सीधा बैलेंस शीट पर ही पहुंचते हैं, और जब बैलेंस शीट पर पहुंचते हैं तो हमें ये चीज साफ साफ नजर आ जाती है। देखो बोरोइंग इनकी पहले से काफी लंबे टाइम से जीरो ही चली आ रही है, और मार्च 2019 तक इनकी बोरोइंग जीरो ही थी, और अभी मार्च 20 में इनकी बोरोइंग बढ़कर 1249 करोड़ हो गई है। तो ये क्यों बढ़ी है, अब यहां पर अगर देखोगे ना तो जो इनका फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स इनकी 317 करोड़ से बढ़कर 1369 करोड़ हो गई है, तो 1000 करोड़ की इन्होंने यहां पर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाई है, और फिक्स्ड एसेट्स बढ़ने का मतलब सीधा सा ये होता है कि आने वाले टाइम में इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होकर इनकी सेल्स बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। तो यहां पर सारी ही चीजें हैं, इनको पता है कि इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा स्कोप है, 140 करोड़ लोग हैं, सबको अपनी अपनी फैमिली में प्रोस्पेरिटी लाने का मन है, और सभी ने अच्छे से फैशंस भी करने हैं और बेसिक नीड भी है। तो ये एक अच्छी बैलेंस शीट है, और यहां से जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है ना ये अपने आप में अच्छा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इनकी सेल्स 987 करोड़ से बढ़ के सेल्स इनकी बढ़ गई थी 3000 करोड़ तक मार्च 2020 तक, और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 59 करोड़ से इंक्रीज होकर 329 करोड़ तक इनका नेट प्रॉफिट गया है 10 सालों में। तो ये जब 6 गुनी चीजें हो जाती है ना, 5-6 गुनी 10 सालों में, तो 5-6 गुना 7-8 गुना ये अपना शेयर भी हो जाता है, सेम रेशो में चलती है। शेयर प्राइस हमेशा जो नेट प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में उसी को कैरी करता है, तो 10 गुना अगर नेट प्रॉफिट हो जाता है तो 10 गुना हो जाता है, और 7-8 गुना होता है 7-8 गुना, 6 गुना होता है 6 गुना। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये सिंपल लॉजिक पे ही ये चीजें काम करती है। बात करते हैं, ये भी चीजें ठीक हो गई, बात करते हैं कि टेक्निकल चार्ट की, और टेक्निकल चार्ट पे अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में जाके सबसे पहले तो हम एक ही चीज देखने वाले हैं कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है। तो देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज की मैंने लाइन यहां पर ड्रॉ की हुई है, दिस इज ए ब्लैक लाइन, और ये इससे नीचे है। और मैं एक चीज कहता हूं कि अगर अपनी कोई ग्रेट कंपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो हमेशा एक बाइंग जोन होता है, बाइंग जोन होता है। बाइंग जोन में अगर हम चीजें बाय करते हैं और वहां से 15-20% की वेट करते हैं ना, तो अगले 3-6 महीने में वो 20% रिटर्न दे देता है, और साल में अगर 2 बार हम ये काम कर पाते हैं तो साल का 40% प्रॉफिट बैठता है। तो अभी हम अगर इसको 3-6 महीने के हिसाब किताब से परचेज करें तो अगले 3-6 महीने में यहां पर 20% रिटर्न साफ साफ नजर आती है। क्यों नजर आती है, क्योंकि मैं एक राउंडिंग शेप की हमेशा से बात करता हूं जो एक्युमुलेशन होता है, और यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा राउंडिंग कर्व बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक्युमुलेशन है कंसोलिडेशन के साथ, वो भी लोअर लेवल पर। और अभी जिस तरीके से ये यहां पर बाय करके लगातार ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है ना, पहले तो यहां से डाउन जाता जा रहा था, लोअर लेवल पर जाना शुरू हुआ था, उसके बाद में यहां से जो ये उठना शुरू हुआ है राउंडिंग के साथ में, ये यहां से सीधा सीधा इंडिकेशन है कि यहां से सीधा निकल के 1700-1800 बहुत जल्द
जल्दी मुझे नजर आता है, ये एक्चुअल में शूट होता हुआ नजर आता है कि अगले 3-4-5-6 महीने में ये इसका जो शेप बनेगा, अगर मैं इसको समझूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह का कुछ बनने वाला है, तो यहां से 1800-1900 जाने वाला है, यानी कि जो ऑल टाइम हाई इसका लेवल था ना, ये वहां जाके टच करने वाला है अगले 4-5-6 महीने में 7 महीने में, तो यहां से ये अच्छे खासे पैसे हैं। अगर ये ऑल टाइम हाई यहां से टच करता है तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा कितना गेन बैठता है। देखो ये 37% का गेन बैठता है, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक साल भी लगाना है इसको ऑल टाइम हाई टच करने में इस टेक्निकल बेस पर और जो फंडामेंटल्स हैं, जो बिजनेस एनालिसिस है, तो 37% एक साल में भी मिलता है तो इतनी अच्छी रिटर्न कहां मिलती है? कहीं नहीं मिलती, क्योंकि एक साल के बाद अगर हम किसी इक्विटी शेयर को बेचते हैं तो वैसे भी इनकम टैक्स रेट उस पर 10% ही होता है, जो कि नेट इन हैंड अगर कुछ आए तो एक बहुत अच्छी रिटर्न है। और मैं ये कहता हूं कि इसको यहां पर भी बेचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म रखना है, अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो वीकली चार्ट पे एक बार इसकी ओवरऑल ग्रोथ देख लेते हैं कि शेयर ने पास्ट में परफॉर्म कैसा किया है। तो अगर हम इसको 2000-2001 से अगर बात करें, जब से मींस 2000 में तो एक बार आईटी क्रैश हुआ था, तो उसके बाद में प्राइसेस नॉर्मल प्राइस पर आ गए थे, तो 24-25 रुपए से चल के ये 1800 रुपए तक की चीज गई है। तो इसका एक बेसिक नेचर ये भी है कि ये हमेशा से ग्रोथ में ही रहती है चीज। अगर पिछले 10 साल की भी बात करें, 8 साल की भी बात करें, तो पिछले 8-10 सालों में भी इसने बहुत अच्छी रिटर्न दिखाई है। जब भी नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद में ये चलकर ऊपर ही गया और अच्छी रिटर्न है इसने। तो ऐसा नहीं है कि एक लैगार्ड है, ये लैगार्ड कभी भी नहीं है, ना तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही प्राइस परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई एम ए बायर इन दिस शेयर, आप अपना एक बार ड्यू डिलीजेंस जरूर कर लेना और साथ में वीडियो को शेयर भी कर लेना, लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो फिर इस तरह की एक अच्छी वीडियो आएगी जो आपको सारे फैक्ट्स बता देगी, आपकी वर्किंग को थोड़ा सा कम कर देती है और कुछ नहीं। ये सारी वीडियो बनाने का सारा यही पर्पज होता है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम ट्रेडिंग विद विवेक.com। थैंक यू सो मच। हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग, हैव ए हैप्पी इन्वेस्टिंग।